नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल को किया बंद। डीएम ने कहा, सरकारी एडवाइजरी का करें पालन। भागलपुर में अज्ञात बीमारी से 50 से अधिक सुअर की हुई मौत। महामारी की आशंका से लोगों में दहशत। मंत्री विनोद नारायण झा ने नल जल योजना में तेजी लाने का दिया निर्देश। कहा, सभी जल स्रोतों को करेंगे पुनर्जीवित। बांका में भू राजस्व मंत्री ने संतमत सत्संग अधिवेशन का किया उद्घाटन। संतों का लगा जामवाड़ा। और रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर छात्रा बैठी भूख हड़ताल पर। विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब समाचार विस्तार से। चीन से फैले कोरोना वायरस के बढ़ते खतरों को देखते हुए इससे बचाव को लेकर राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समीक्षा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, सरकारी पार्क एवं सभी पर्यटन स्थल को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। डीएम ने कहा कि कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है और इससे दुनिया के कई देशों में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार ने एहतियातन फैसला लिया है, जिससे कोई भी इस बीमारी की चपेट में नहीं आए। डीएम ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन बंद रहेगा, लेकिन बच्चों के भोजन की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही 22 मार्च को होने वाले बिहार दिवस समारोह के कार्यक्रम को भी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही डीएम ने कहा कि भागलपुर के JLNMCH एवं सदर अस्पताल में कोरोना वायरस के संदिग्धों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, लेकिन अब तक भागलपुर में कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं पाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP आशीष भारती, DDC सुनील कुमार, DPRO बिंदु सार मंडल एवं नवगछिया SP निधि रानी भी मौजूद थी। WHO के द्वारा इसको पैंडेमिक घोषित किया गया है और प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोगों के द्वारा भी लिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लगातार प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं। इसके तहत चूँकि विश्व के कई देशों में इसका फैलाव चिन्हित किया गया है और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाना आवश्यक है, इसको दृष्टिगत करते हुए आज के प्रभाव से सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह अगले 31 मार्च तक बंद करने का आदेश हम लोग के द्वारा दिया गया है। इसी के साथ साथ सिनेमा हॉल में जो प्रदर्शन है वो बंद रहेगा। म्यूजियम में लोगों का आगमन बंद रहेगा, म्यूजियम लोगों के लिए बंद रहेगा। सरकारी पार्क जो यहाँ पर हैं वहाँ पर पब्लिक की गैदरिंग ज़्यादा होती है, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। जो वैसे सरकारी कार्यक्रम जिसमें बड़े संख्या में लोगों का जमावड़ा होता है, उसको अगले 31 मार्च तक के लिए समाप्त कर दिया गया है। इसी बीच 22 मार्च को बिहार दिवस का भी कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को भी अगले 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी जहाँ जहाँ सरकारी तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं, उन सभी को स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ जहाँ लोग कोरोना वायरस से दहशत में हैं, तो वहीं भागलपुर में काफ़ी संख्या में सुअरों की अज्ञात बीमारी से हो रही मौत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। भागलपुर में पिछले एक सप्ताह में 50 से अधिक सुअर की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक सुअरों की मौत नगर निगम के वार्ड संख्या 26 के सुर्खीकल इलाके में हुई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। एक तरफ देश में कोरोना वायरस से लोग दहशत में हैं, तो दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू फैलने की बात हो रही है बिहार में। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के वार्ड नंबर 26 में सुर्खीकल इलाका में, जहां अब तक 50 से अधिक जो है तो सुअर मर चुके हैं। और सुअर के मरने के कारण भागलपुर का जो सुर्खीकल का इलाका है उसमें महामारी फैलने जैसी स्थिति है। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वह आपको यहाँ से तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से सुअर जो है तो
वो मर रहे हैं, मरने के कगार पर हैं। और 50 से ज़्यादा सुअर की अब तक यहाँ जो सुर्खीकारी इलाका है यह महादली टोला है, इसमें 50 से ज़्यादा सुअर की मौत हो चुकी है। और स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तत्काल गड्ढा करके सुअर को जो है तो वो दफना दिया है, गड्ढे में डाल दिया है, ताकि जो महामारी है वो कुछ हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के पार्षद पति संजय जी हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि सर बताइए क्या हुआ है आपके वार्ड में। हमको जानकारी तीन चार दिन से ही समस्या बनी हुई थी, मर रहा था शुगर, तो हम लोग सोचे कि पलता है तो हो सकता है बीमारी वगैरह से मरा होगा। जब बृहद पैमाने पर मरने लगा और यहाँ पे पूरे इलाके में बदबू जो है, और एक तरह से लोग परेशान, घर से निकलना मुश्किल हो गया सभी का, तब जाके हमको बोला तो हम तत्काल जो है वहाँ अपना जोनल प्रभारी को फोन करके JCB का उपलब्ध करवाएं जी, जी। उसके बाद कल शाम को ही आने में JCB थोड़ा लेट हो गया, जिसके कारण 13-14 सुगर जो है गड्ढा करके उसमें दफनाया गया। जब सुबह में लेबर सबसे हम जो मजदूर से हम जब काउंटिंग कराने लगे तो 20-30 जो है सुगर मरा हुआ और बोलिए एकदम गल गया था। और इससे बदबू भी आवेदन अब तक आप कहाँ कहाँ दिए हैं? आवेदन तो अभी मैंने थी नगर आयुक्त के नाम पे लिखे हैं, फ़ोन करने का कोशिश किया, बोला अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैंने रेहान से संपर्क किया जो अपना सफाई इंचार्ज है, तो उसे चूना ब्लीचिंग भी उपलब्ध कराने के लिए बोला गया कि कम से कम चूना का छिड़का, जैसे गला हुआ शुगर सब वगैरह बदबू कर रहा था, तो उसने असमर्थता बताई कि जो है मंथली में सिर्फ त्यौहार में दिया जाता है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इस इलाके में जो महामारी फैला हुआ है इसके रोकथाम के लिए जल्द से जल्द उपाय किया जाए। वार्ड नंबर 27 के पार्षद हैं, उन्होंने भी कई जगह कई पदाधिकारी को, जिला के वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया है, इसकी रोकथाम के लिए मांग की है। हालांकि जो यह इलाका है मायागंज इलाका है, मायागंज अस्पताल है, और ऐसी भी सूचना मिली है कि अस्पताल के इर्द गिर्द चुपके से लोग जा करके मृत सुअर को फेंक देते हैं। अब देखना यह होगा कि इसमें कितनी निष्पक्ष तरीके से जाँच होती है और तत्काल क्या कार्रवाई की जाती है, क्या रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। वहीं इस घटना को लेकर अब तक लोग महामारी फैलने की आशंका से दहशत में हैं। आप लोग? हम 4-5 दिन से सर शुगर जिधर मन तिधर पूरा सा मर रहा है, जिसके वजह से महक के वजह से हम लोग का छोटा छोटा बच्चा उतरू है, उसके वजह से हम लोग रात में रह नहीं पा रहे थे। अभी तो 2 दिन से जो देख रहे की कुछ जो कि साफ सुथरा होने के बाद अभी कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं तो अभी सर हम लोग जो खाना खाने आए डिप्टी करके वो खाना नहीं खा पाते। खिड़की के जहाँ रहते हैं उसी मोहल्ला के पीछे बहुत सा सुअर मर गए, तो उससे इतना गंदगी फैल गया था कि नाक देने का ना खाना पीने सब का बहुत परेशानी था सर। इसलिए इस समस्या का हल करने के लिए हम लोग ऊपर से जाके वार्ड पार्षद के पास गए, वो आके हम लोग का समस्या। सुअरों के मरने की सूचना पर वार्ड नंबर 27 के पार्षद उमर चांद ने तत्परता दिखाते हुए इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और पशुपालन विभाग को आवेदन देकर तेजी से फैल रही बीमारी को रोकने की गुहार लगाई है। वार्ड नंबर 26 में फ्लू हो गया है 3 दिन से, एक दिन मरा था 8 सुअर, दूसरे दिन 35 सुअर जो पेपर में भी आया, और कल आज सुबह हमारे संज्ञान में आया तो 25 सुअर मरा है, जिसको कि गड्ढा कोड़ करके उसमें डाल दिया गया है। तो वार्ड नंबर 25 का तो इससे हमको पता चला कि 26 में मरता है और 27 के बॉर्डर पे हॉस्पिटल के आसपास एरिया में भी लोग छिपा के फेंक देते हैं। मरने के बाद सुअर मालिक का पता नहीं चलता है और मरने से पहले तक मालिक रहते हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम नगर आयुक्त महोदया को, जिलाधिकारी महोदय को और जिला पशुपालन पदाधिकारी को हम लेटर दिए हैं, और इसको इस महामारी को अविलंब रोकना होगा, नहीं तो ये महामारी का रूप ले लेगा। इधर शुक्रवार को वार्ड संख्या 26 की पार्षद के पति संजय तांती ने कई सुअरों के शव को महादलित बस्ती में गड्ढा करवा कर दफना दिया। वहीं मामले को लेकर जब जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर शंभुनाथ झा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बीमारी की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है। सूचना हमको मिली है, उसके लिए टीम गठित कर दी गई है, 3 सदस्यीय टीम है, 3 सदस्यीय पशु चिकित्सकों की टीम गठित कर दी गई है,
वो जा रहे हैं, जांच करेंगे, सैंपलिंग लेंगे और जांच के लिए हम लोग भेज देंगे। और अभी जो लक्षण के आधार पर हम लोगों का वो अनुमान होगा उसके तहत चिकित्सा की जाएगी। महामारी कुछ ऐसा नहीं, महामारी का संभावना नहीं है। जैसा हम लोगों को पता चला है कि स्वाइन फीवर हो सकता है, फीवर होता है स्वाइन में, स्वाइन में मतलब सुगरों में बुखार होता है, उसमें निमोनिया की संभावना हो जाती है, इसके कारण मर रहा होगा, लेकिन जांच के बाद ही हम पूरी बात बता। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा ने अपने भागलपुर दौरे पर जिला अतिथिगृह में हर घर नल जल और बिहार के सभी चापाकल को दुरुस्त कराने की बात कही। मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के सभी कुएं, तालाबों एवं चापाकलों के साथ सभी जल स्रोतों को भी दुरुस्त कराया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना नहीं करना पड़े। मंत्री ने कहा कि बिहार में 9.5 लाख चापाकल हैं, जिसमें 7.5 लाख चापाकल की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया कि हर घर नल का काम तो चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ चापाकल की जो समानांतर व्यवस्था है वो भी बंद नहीं की जाएगी, क्योंकि नल से जल का जो काम है वो पेयजल के लिए है। इसके अतिरिक्त जो जल की आवश्यकता होती है उसके लिए जो समानांतर व्यवस्थाएँ हैं उनको हम चालू रखेंगे। लेकिन चापाकल में एक बड़े पैमाने पर हम लोगों को शिकायत आती थी खराब होने की, और इसके लिए विभाग जूझता भी रहता है, लेकिन फिर भी ये शिकायत ख़त्म नहीं होती है। इसलिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विभाग ने तैयार किया है, और इस ऑनलाइन मॉड्यूल में हम पूरी जानकारी मरम्मत की गई चापाकल की उस पर अंकित रहेगा कि कोई भी उसको देख सके, विभाग के अधिकारी कभी भी देख सकेंगे। पूरे बिहार में 9.5 लाख चापाकल हैं और हम 7.5 लाख चापाकल की अभी तक जियो टैगिंग कर चुके हैं। बांका के बाराहाट स्थित पथरा गांव में शुक्रवार को 2 दिवसीय संतमत सत्संग के 29वें वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन बिहार सरकार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, संत भगीरथ जी महाराज, कमेटी के अध्यक्ष विजय कुमार दास एवं मुख्य प्रायोजक निरंजन कुमार मंडल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर किया गया। वहीं मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य सुमार्ग की ओर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि मंदार मधुसूदन की तलहटी में ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम का होना सौभाग्य की बात है। भगीरथ बाबा ने कहा कि मानव जीवन में सुख और दुख का समय आता और जाता रहता है, लेकिन कभी भी दुख से घबराना या सुख में घमंड करना ठीक नहीं है। सत्संग कार्यक्रम में भागलपुर, बांका, गोड्डा समेत कई जिलों से आए पुरुष, महिला के साथ युवा एवं बच्चे भी शामिल थे। इस मौके पर स्नेह प्रियदर्शी, भोला कुमार समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को एक छात्रा और उनके अभिभावक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। रिजल्ट सुधार में हो रही देरी और अफसरशाही से तंग आकर जूलॉजी विभाग की छात्रा नीलम कुमारी ने विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारियों को आवेदन देने के बाद यह कदम उठाया है। धरना पर बैठी छात्रा और उनके अभिभावकों ने कहा कि जब तक रिजल्ट में सुधार नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी बच्ची का रिजल्ट कॉपी में अंक रहते हुए इसको फेल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी दौड़ते दौड़ते इतना धांधली है कि जिसके पास जाते हैं तो आपका कुछ नहीं होगा, दुर्व्यवहार करता है और गलत ढंग से रिपोर्ट बनवाया, जो कि ये नियम भी नहीं है, पुनर्योग का नियम है। हम कह रहे हैं हमको पुनर्योग करके मेरा रिजल्ट को सही किया जाए, हमारा बच्चा आगे पढ़े। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बड़े शहरों के तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जी छो बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से किया गया हड़ताल व धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। भागलपुर समाहरणालय परिसर में आयोजित धरना में शिक्षकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नीतीश सरकार को शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी बताया। शिक्षकों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों की मांग को अनसुना कर रहे हैं और लगातार राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों को काम पर लौटने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। अपनी मांगों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहे शिक्षकों ने कहा कि शिक्षक सरकार की किसी भी कार्रवाई या धमकी से डरने वाले नहीं हैं और जब तक समान काम समान वेतन की मांग सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि शिक्षकों की मांग जायज है और सरकार को इस पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए। इस मौके पर प्रवीण झा, अखिलेश कुमार, सत्यजीत कुमार, डॉक्टर रविशंकर समेत काफी संख्या में पुरुष एवं महिला शिक्षक मौजूद थे। निश्चित रूप से सरकार ये सोचती है कि शिक्षक कर्मात्मक कार्रवाई से बच जाएंगे। मानते भी हैं, हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक अपने आप को अधमरा समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि बिना वेतन कहीं से कुछ भी हासिल नहीं और अपने आप को निश्चित रूप से मरा हुआ समझते हैं। वो मरे हुए को कितना वो मारेंगे वो अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने सरकार का पद मान लिया है, अब किसी भी कीमत पर वेतन मान ही अंतिम लड़ाई है। इसके अलावा और कुछ नहीं, किसी चीज पर कोई किसी तरह का कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं आगे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीएसडब्ल्यू की कमान एक बार फिर से डॉक्टर योगेंद्र महतो को सौंपी है। दरअसल 23 फरवरी को डॉक्टर महतो ने नियमित रूप से डीएसडब्ल्यू का कार्यकाल पूरा कर लिया था, जिसके बाद विश्वविद्यालय में डीएसडब्ल्यू का पद रिक्त हो गया था। दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद शुक्रवार को कई लोगों ने डॉक्टर योगेंद्र महतो को बुके देकर सम्मानित किया। इधर डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि हॉस्टल और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण बना रहे इसके लिए कोशिश करेंगे। हमारा काम तो छात्रों से संबंधित है, चाहे हॉस्टल हो, लाइब्रेरीज हो, परीक्षा का काम हो, तो ये सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई। तो मेरी प्राथमिकता तो पुरानी ही है, हॉस्टल ठीक से चले, छात्रों को जो सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो उसको मिले, और जो परेशानी विश्वविद्यालय में छात्रों को होती है उससे उसको कैसे निजात दिलाए। हमारा काम यह है, पिछली बार भी हमने ये काम किया, आगे भी हम ये काम करें। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय एवं सभी कॉलेजों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर एहतियातन तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। वहीं टीएमबीयू के पीआरओ प्रोफेसर शंभुदत्त झा ने कहा कि शनिवार से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन, कार्यालय एवं पीजी विभाग समेत सभी कॉलेजों में उपस्थिति पंजी पर ही हाजिरी ली जाएगी। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल को किया बंद, डीएम ने कहा सरकारी एडवाइजरी का करें पालन। भागलपुर में अज्ञात बीमारी से 50 से अधिक सुअर की हुई मौत, महामारी की आशंका से लोगों में दहशत। मंत्री विनोद नारायण झा ने नल जल योजना में तेजी लाने का दिया निर्देश, कहा सभी जल स्रोतों को करेंगे पुनर्जीवित। बांका में भू राजस्व मंत्री ने संतमत सत्संग अधिवेशन का किया उद्घाटन, संतों का लगा जामवाड़ा। और रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर छात्रा बैठी भूख हड़ताल पर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।